नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात करने वाले हैं केले के पेड़ के बारे में। जानेंगे कि केले का पेड़ घर में किस जगह नहीं लगाना चाहिए, तो चलिए इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को पूजने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कुछ खास पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें देवी देवता का वास माना जाता है, जैसे कि नीम का पेड़, शमी का पेड़ के साथ उनमें से एक खास पेड़ है केले का पेड़। केले में बृहस्पति का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर केले के पेड़ की पूजा करने का अपना अलग महत्व है। केले की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन अगर ये पेड़ किसी गलत जगह पर लगा हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिशा में केले के पेड़ लगाना नहीं चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि अग्नेय कोण में केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अग्नेय कोण में केले का पेड़ लगाना अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर कांटेदार पेड़ के साथ केले का पेड़ लगाया जाए तो भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। केले के पेड़ को कांटेदार पेड़ पौधों के साथ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लड़ाई झगड़े होते हैं अगर कांटेदार पेड़ पौधों के साथ केले का पेड़ लगाया जाए तो, और रिश्तों में खटास आने लगती है। कैक्टस जैसे पेड़ पौधों के साथ केले का पेड़ भी लगाने से बचना चाहिए। तो वहीं घर के प्रवेश द्वार पर भी केले का पेड़ लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जाने अनजाने में लोग केले के पेड़ को मुख्य द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके परिवार पर, आपके घर के लिए अशुभ हो सकता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। घर के मुख्य दरवाजे के सामने केले का पेड़ लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। मुख्य दरवाजे पर केले का पेड़ लगाने से नेगेटिविटी आती है और मेन गेट पर लगाने से पेड़ समृद्धि के रास्ते में रुकावट लाने लगता है। तो वहीं वास्तु के अनुसार केले का पेड़ लगाना बहुत शुभ होता है। केले के पेड़ को लगाने और इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो इसके लिए अशुभ परिणाम भी मिल सकता है। केले के पेड़ की देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए। इसमें रोज पानी डालना चाहिए ताकि पेड़ और इसके पत्ते सूखे ना पाए। केले के पेड़ को किसी गंदगी जगह पर ना लगाए और ना ही इसे गंदा पानी डालें। ऐसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।